हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मैं कपड़े धोने के लिए लगा देती हूँ, तब तक जब तक और काम निपटेंगे। तो ये टाइड मैंने अमेजोन से मंगाया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइड क्यों मंगा रखा है, इतना बड़ा पैकेट। तो ये पैकेट मुझे MRP से हाफ रेट पे पड़ा था, तो इस वजह से फिर मंगा लिया था हमने ये। तो अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या कोई भी दूसरी ऑनलाइन साइट पे जब भी, तो ऑनलाइन भी कभी कभी ना ग्रोसरीज पे बहुत अच्छी ऑफर आए रहते हैं या बहुत अच्छी डील्स चलती होती हैं। तो आप लोग भी चेक करते रहिए और देखते रहिए, जब भी कोई डील आती है तो उसी टाइम उसे खरीद लो। थोड़ा सा पैसा भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है आपका मार्केट जाने से। तो नौमी वाले दिन जो हमने कन्या जिमाई थी ना, तो उनके ये पत्तल वत्तल यहीं पे रखे हुए थे। तो ये एक बैग मिल गया था मुझे बाहर, तो मैंने इसमें सारे पैक कर दिए हैं ये। और जब मतलब कूड़े वाला आएगा तो एक साथ ही ये सारा कुछ चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से प्लास्टर हुआ है इन दीवारों पे। और यहाँ पे ये मैंने मशीन लगा रखी है। और यहाँ पे ये जिस दिन प्लास्टर हुआ था ना, उस दिन सारा जो लेबर से उन्होंने ऐसे ही रख दिया था यहाँ पे ये सारा सामान, और ये बहुत ही गंदा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये सामान छांट दिया है। और इसे मैं ढंग से एक कोने पे रख दूंगी, क्योंकि जहाँ पे ये रहता था वहाँ पे अभी रख नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी वहाँ पे वाइट वॉश वगैरह होना है, तो इस वजह से फिर हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी इधर ही रखते हैं, फिर जब वाइट वॉश हो जाएगा फिर उधर की तरफ रख देंगे, पीछे की तरफ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन भी बिखरा हुआ था, तो इसलिए मैं पहले किचन को समेट देती हूँ। कपड़े वॉश हो ही रहे हैं अभी मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें टाइम लगता है कपड़े वॉश करने में। मतलब एक बारी के कपड़े भी कम से कम आधे पौन घंटे में धुल के निकलते हैं बाहर, तो इस वजह से फिर कपड़े लगे हुए हैं और मैं और जगह की सफाई कर रही हूँ।
तो ये आटे की टंकी भी खाली हो चुकी थी। पहले इसमें थोड़ा सा आटा था तो मैंने सोचा पहले जब ये पूरा आटा ख़त्म हो जाएगा फिर इसमें दूसरा नया बैग डालूंगी मैं। तो आटा ख़त्म हो चुका था इसमें, तो उस दिन ग्रॉसरी में मैं आटा भी लेके आई थी, तो वही आटा खाली हो रहा है इस टंकी में। तो सुबह सुबह काम जल्दी जल्दी इसलिए निपटाती हूँ मैं क्योंकि दिन में फिर गर्मी हो जाती है, और अगर 10 बजे तक काम निपट गया तो ठीक है, फिर उसके बाद काम करने का मन नहीं होता, आलस आता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी सुबह निपट जाए मेरा काम उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ही तो टाइम लग जाता है, 12-1 बज जाते हैं निपटाते निपटाते, तो इस वजह से फिर लेट हो ही जाता है। तो अब धूप बहुत ज़्यादा होने लग गई है ना, अभी भी 7-7:30 हो रहे हैं और तो अंकल यहाँ पे तराई कर रहे हैं, इससे ये जो प्लस्तर हुआ था ना उसकी तराई करते हैं आजकल सुबह शाम। और मैं बना रही हूँ बनाना शेक। तो ये केले भी बहुत दिनों से रखे हुए थे तो कोई खा ही नहीं रहा था इन्हें, फिर मैंने सोचा कि चलो दूध भी बच रखा है तो फिर इसका शेक बना देती हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से शेक बनाया मैंने, कोई कुछ खास नहीं किया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं बस, बाकी कुछ नहीं डाला है इनमें।
तो ये दूध बचा हुआ था, तो इसमें मैं जामुन डाल रही हूँ और ये फिर दही जम जाएगा इसका, फिर कढ़ी वड़ी बनाने के काम आएगा ये। तो अभी मेरे कपड़े भी धुल गए थे और पूरा काम भी निपट गया था, तो यही था मेरा अभी आज का व्लॉग। शॉर्ट ही था ये व्लॉग भी, और मैं मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।